प्रफुल्ल मेडिको क्लिनिक थाना के सामने गढ़वा, महिलाओं से संबंधित बीमारियों का इलाज एवं प्रसूति की बेहतर सुविधा। भाजपा के झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि आज इस वैश्विक महामारी के दौरान ये योजनाएं देश की महिलाओं, किसानों, कामगारों के लिए वरदान साबित हुए हैं। इन्हीं योजनाओं के माध्यम से आज देश के करोड़ों लोगों तक केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आर्थिक पैकेज से हजारों करोड़ों रुपए लाभुकों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान मोदी जी के द्वारा गरीबों, किसानों, मजदूरों को अन्न और धन से मदद की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष राजनीति करने के लिए मोदी जी द्वारा बनाई गई योजनाओं का उपहास उड़ा रही थी तथा इनका दुष्प्रचार करके देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन आज इन योजनाओं की महत्ता को इस देश ने देखा और समझा है, जो कि विपक्ष के गाल पर तमाचा है। हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष भी इन योजनाओं की महत्ता को समझेगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से देश के 6.93 करोड़ किसानों को 2000 की मदद पहुंचाई गई है। जनधन योजना के माध्यम से इस देश के 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपए जमा कर दिया गया है। 2.82 करोड़ बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों को उनके खाते में अनुग्रह राशि जमा करा दी गई है।